मैं इस वक्त सक्सेस कॉन्वेंट में हूँ और यहाँ पर 3 बच्चों ने 10th और 12th से रैंक में एक जगह बनाई है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्कूल की रणनीतियाँ रही है, कैसे टीचर्स पढ़ाया करते थे। हम टीचर्स से बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। सर, हमें जो भी डाउट्स होते थे सारे डाउट्स क्लियर करे जाते थे। हमारे लिए इवनिंग क्लासेस भी लगाई जाती थी जिसमें हम जो भी डाउट्स होते थे वो क्लियर कर लेते थे। अच्छा, तो इवनिंग क्लासेस में कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? सर, इवनिंग क्लासेस में 3 आवर्स। अच्छा, एक ये जब बताइएगा, जैसे जो भावी आएंगे 12th में, तो उनको आप क्या सलाह देते हैं? इतने घंटे आप पढ़िए और ऐसे पढ़िए तो आप 86 से ज़्यादा भी आप पा सकते हैं, क्या सलाह है उनको? सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए और जो टीचर्स बोले उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन ये बताइएगा कि आमतौर पर जैसे किसी बच्चे को टॉप में आना है तो क्या सलाह देते हैं कि कब से उनकी तैयारी शुरू होनी चाहिए? सर, और कैसे होनी चाहिए? जी, टॉप में सर पहला तो ये हम ये देखते हैं कि बच्चा, जैसे एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे हमारे 12th क्लास में एक भूमिका कश्यप करके टॉप करी है, टॉप 9 रैंक आया, उसका एक अस्फे नाज है जो टॉप 3 पे आई है हमारे यहाँ से ऑल ओवर बस्तर रीजन से। तो जब ये 10th क्लास का जब रिजल्ट आया था सर, हम उसी दिन समझ गए थे ये बच्चे लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम अभी से रणनीति नहीं बनाए थे इनके लिए, हमारी रणनीति इनसे 10th क्लास से इनसे लगी हुई है और इनको हम ये फोकस कर रहे थे कि ये बच्चे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स टीचर हूँ, केमिस्ट्री है, अकाउंट्स है, हर एक टीचर अपना एक खुद का रणनीति तैयार कर रहा था उन बच्चों के, जो बच्चे टॉपर आ सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा खुद से शुरू से नोट्स बना रहा है, टीचर्स के क्लास अटेंड कर रहा है, तो बच्चा डेफिनेटली उसमें 70 में 65 तो है, वो नहीं है। तो किस तरह से तैयारी होती थी? क्या क्वेश्चन पेपर्स आप बना के दिया करते थे या फिर क्वेश्चन को जो बुक में होती थी वही देते थे? नहीं सर, जो बुक में जो क्वेश्चन है उसको तो हम देते ही हैं। उसके अलावा जिस तरीके से अगर क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन से कम्पीट करना पड़े तो उसके अलावा भी हम क्वेश्चन निकालते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ओके। बच्चे के जो एफएज एसएज होते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे ने कहाँ गलती वो कर रहा है, तो हम बच्चे को उस तरीके से गाइडेंस देते हैं कि वो अपनी गलतियों को वहां से एलिमिनेट करे, तो जिससे चांसेस ज्यादा हो जाए कि वो अच्छा बोर्ड में स्कोर कर पाए। जो एकेडमिक विषय में हमको उनका अच्छा रिजल्ट दिलवाना रहता है, हम ये देखते हैं कि किन विषयों में बच्चे अच्छे कर सकते हैं, किन विषयों में बच्चों को और थोड़ा सा पुश करने से वो आगे बढ़ जाएंगे। हम इस तरह से बच्चे को कैटेगरी अलग अलग सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनके लिए एक कस्टमाइज एजुकेशन का हम लोग डिजाइन करते हैं। उसमें हमारे 3 स्तंभ है, एक स्कूल, फिर उनके पेरेंट्स और स्वयं वो बच्चे, ये तीनों मिलके एक डिजाइन तय करते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं। सर, यही हमारी सफलता की राज है। क्या चुनौतियाँ आई? चुनौती ये है, हम जब डिजाइन तय करते हैं तो हम उनको कैटेगरी के लिए अलग अलग करना पड़ता है हमको, बच्चों को ए सेक्शन बी सेक्शन समझ में आता है। फिर जब हम लोग उनको कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसको कुछ अलग एक नाम दे दे, कैटेगरी का नाम देने से कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर मान लीजिए उनको एक्सलेंट कैटेगरी देते हैं, कुछ बच्चे को हम लोग देते हैं कि प्रसन्न, तो उसमें क्या है उनका मन में एक फीलिंग आता है, इसलिए हम लोग ऐसा नए नाम देके उनको अलग अलग ढंग से बैठाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चों को क्यों इस कैटेगरी में डाला गया, ये विरोध का सामना हमको करना होता है। नहीं, वो तो उनका दोस्त उस कैटेगरी में, हम इनको तो पेरेंट्स को समझाना बहुत कठिन काम है कि हम बच्चों के लिए क्यों कर रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स तो समझ जाते हैं, बच्चों का भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो ये है। और बच्चों का जो मोबाइल की एक लत लगी हुई थी कोरोना काल से, उस मोबाइल से हम बच्चों को दूर करवाना चाहिए इस सेशन से खासकर, तो उस में हम लोग को थोड़ी बहुत सफलता मिली है, ये भी एक कारण है कि बच्चे रिजल्ट अच्छे किए हैं। अच्छा, इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं कुछ हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे एक रैंक हासिल कर पाए, तो इंग्लिश मीडियम तो ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में आपने कैसा काम किया है? सर, हिंदी मीडियम के बच्चों को जब उनको इंग्लिश में लिखना आता है तब SST सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट में तो दिक्कत है, लेकिन हमको लगातार उनको प्रैक्टिस पेपर दे के हम लोग दिसंबर से शुरू कर दिए थे उनको प्रैक्टिस पेपर देना। तो करते 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 उनमें फ्लुएंसी आ गई, उनको लिखने का एक स्पीड भी आ गया, हो गया। बाकी मैथ्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे लैंग्वेज का उतना महत्व नहीं है, उसमें बच्चे का नॉलेज और वो बच्चा स्टेप बाय स्टेप कितना उसको सॉल्यूशन कर रहा है उसी पे है।